केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल एचडी पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिल रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोग को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कौन-कौन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नजदीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा इन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफी सारे सुपर डुपर बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण सक्सी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कौन-कौन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारे एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कौन-कौन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को केजीएफ चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुल्ली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन-कौन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रिडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी
इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी, आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है, 7.1 की रेटिंग मिली हुई। इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज़, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कैसे करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के
मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा, और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी फिल्में करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील की अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं, और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसके रीजन से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी की हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो, तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नजदीक के थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा इन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण सक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है, और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिक्वल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा दी राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी
सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीजन से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट 1 मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था, इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ KGF चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वह मूवी को मिक्स करने वाले हैं, अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारी नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा सलार मूवी के फ़ैन के लिए। तो इस टाइम
इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसकी रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा, और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कस्ट करेगा जॉनरा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी को अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब मूवी वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, इसके रीजन से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी की हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली स्टार प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य असन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं
देखी हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो और आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण सक्सी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो, मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करती हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही है जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है जिसके रीज़न से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज़ इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज़ हुआ था जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था और आप सभी को बता दें
शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आया। जवान मूवी द तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था। इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है। और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी फिर मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ, सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था। सलार मूवी 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ KGF चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे। काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कैसे करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमारे अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा
अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी फिल्में करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील की अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज़ होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फ़ैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा इन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण साक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्जवल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसके रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर
प्लानिंग कर रहे हैं एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज के फैन हो और इस तरह के मूवीज के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रिडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे, और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीजन से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट 1 मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ KGF चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वह मूवी को मिक्स करने वाले हैं, अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है, और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया, और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को
इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कैसे करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है जिसकी सलार मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी फिल्में करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी। और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो। और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी
प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण सक्सी जैसी काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा दी राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीजन से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज़ हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज़ हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज़ में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी के कोलैबोरेशन पर रिलीज़ होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम
इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज ने भी 80-85 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ, सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था। सलार मूवी 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारी नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे। काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कस्ट करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी फिल्में करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को
प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन देखिए, कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके, सलार मूवी के हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक, काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य सिंह को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिल रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखियो, तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नजदीक के थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा इन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण सक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर के सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है, और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारे एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं, और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है, एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने, और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है।
आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रिडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज़ इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें, शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी के कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कमबैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदिपुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदिपुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ, सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट 1 मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज़ में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था। सलार मूवी 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था, उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों, सलार मूवी के सीक्वल के साथ KGF चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी
हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोग को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज़, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नए मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर रिक्वेस्ट करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा, और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करवाने वाले, इसके रीजन से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी की हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नजदीक के थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपर हिट मूवीज़ देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज, सुकुमारन, श्रुति हसन, मीनाक्षी, सारण सक्सी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है, और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के
लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर, और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने, और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे, और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था, और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर से एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कमबैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ, सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट 1 मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज़ में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी।
2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वह मूवी को मिक्स करने वाले हैं, अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा, और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे। काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कस्ट करेगा जॉनरा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा, और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फ़ैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारे नए मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, जो
काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिल रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो, तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा इन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपर हिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी, जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, मीनाक्षी, सारण सक्सी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है, और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो, मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करती हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं, और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर, और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्जवल कुलकर्णी सर ने, और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीज़न से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुल्ली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे, और
इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी की इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज़ इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज़ हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज़ भी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी इस टाइम रिलीज़ में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर से एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज़ होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज़ होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज़ में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज़ हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वह मूवी को मिक्स करने वाले हैं, अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कैसे करेगा
जानरा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसके रीजन से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज़ होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फ़ैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल एचडी पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो, तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, मीनाक्षी, सारण साक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिक्वल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे
प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज हिंदी वर्जन में तब रिलीज हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीजन से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट 1 मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ KGF चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़
और काफ़ी सारी नई मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कस्ट करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील की अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य सिंह को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन और डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिल
मिल ले रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो, तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी, जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, मीनाक्षी, सारण साक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो, मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिक्वल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने, और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसके रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे, और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को
मिलने वाली है। तो दोस्तों हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी की इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी, आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कैसे करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के
मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी फिल्में करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसके रीजन से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी। और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन और डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो। और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण साक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था। और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा दी राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यार एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी
सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवी भी इस टाइम रिलीज में आई है। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी के कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कमबैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट 1 मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ KGF चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में
ट्रेलर से काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज़, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर कस्ट करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहेगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी फिल्में करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी की हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीक के थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा इन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी
प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण साक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसके रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज़ हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज़ हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भी इस टाइम रिलीज़ में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी के कोलैबोरेशन पर रिलीज़ होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम
इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ, सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज़ में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था। सलार मूवी 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारी नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी के इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा। काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर और कैसे करेंगे जॉनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभास सर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी को अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसके रीज़न से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को
प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके, सलार मूवी की हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रीडायरेक्ट लिंक, काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर, मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिलने रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो, तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है, और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर, जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज, सुकुमारन, श्रुति हसन, मीनाक्षी, सारण सक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है, और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो, मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करते हो, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं, और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर, और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्जवल कुलकर्णी सर ने, और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर के तीसरे सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीजन से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था,
बिकॉज इसके रीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीजन से उनकी फैन फॉलोइंग और क्रेज इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और हैप्पी न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था। और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी की कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास सर ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी के साथ कम बैक कर चुकी है। उनकी पिछली मूवी आदि पुरुष और इससे पहले राधे श्याम जैसी मूवीज़ फ्लॉप में जा रही थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मूवीज़ ने भी 80-80 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, पर दोस्तों वो सब कुछ नहीं हो पाया। साहो मूवी एक एवरेज रही, पर दोस्तों राधे श्याम मूवी सुपर फ्लॉप रही थी। आदि पुरुष मूवी को भी उतना अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और इन दिनों लोग इस तरह के अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ सलार मूवी एक इपिक किस फायर पार्ट वन मूवी होने वाली है। 7.1 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल 2025 पर रिलीज में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चे में आ रहा था सलार मूवी। 2019 में जब साहो मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम से ही मूवी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा हुआ था। इसके रीजन से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सलार मूवी के सीक्वल के साथ केजीएफ चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व मूवी को मिक्स करने वाले हैं। अभी मूवी के प्रीमियर के वक्त ही पता चलेगा। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फ़ैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर आप देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारे नए मूवीज़ को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर सलार हिंदी वर्जन नई मूवी लेके कमेंट करिएगा। सलार मूवी के फ़ैन के लिए तो इस टाइम इतनी बड़ी मूवी देखने को मिल रही है और साउथ इंडस्ट्री की मूवी, और इस टाइम लोगों को जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की मूवी देखना था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास सर की और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बाहुबली की तीसरी सीक्वल के प्रीमियर के बारे में चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया और जिसके रीज़न से लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। और इन दिनों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा ये सब मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर में देखने को मिलने वाली है। और हम आप सभी को इन दिनों इस तरह के काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ साथ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कम्युनिटी ऐप पर चेक करते रहिएगा, काफ़ी सारी अनऑफिशियली काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी प्रीमियर और रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपडेट में रहिएगा। और साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप सभी को हिंदी वर्जन की काफ़ी सारी मूवीज़ पसंद है, आप हमें बताइएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी हिंदी वर्जन की मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ये सब मूवी काफ़ी पसंद भी आने वाला है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए इस टाइम एक और बेहतरीन मूवी सीरीज, और हम आप सभी को कम्युनिटी ऐप काफ़ी सारी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को फ्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों
आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। अपकमिंग डेज में इस तरह के अलावा कौन सी जॉनरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करके नई मूवी आप सभी के पास हम प्रीमियर में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट में रहिएगा कौन सी मूवी प्रीमियर कस्ट करेंगे जॉनरा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आने वाले हैं। बाहुबली स्टार प्रभासर के अपकमिंग डेज में एक और नई मूवी आने के चांसेस चल रही है, जिसकी सलार मूवी के फिनिशिंग में इस मूवी के सीक्वल को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबे समय तक मूवी को प्रीमियर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मूवी का अगर रिमेनिंग में रख दिया दोस्तों जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ नहीं होगा। और सलार मूवी को काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन पैक मूवी कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूथ जिसको एक्शन पैक मूवी पसंद है वो सब लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं अपकमिंग डेज में इन जॉनर के अलावा काफ़ी सारे नए मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर से एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके आप सभी के पास हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने सलार फुल मूवी लिखिएगा। प्रशांत नील के अपकमिंग डेज में डायरेक्टिंग करियर पर काफ़ी आगे जाने वाले हैं और बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसके रीजन से लोग प्रशांत नील से और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवीज के अलावा काफ़ी सारे बेहतरीन हिंदी सिनेमा की मूवी को प्रीमियर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपडेट मिलेगा, वीडियोस को लाइक करिए, हैशटैग सलार फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिएगा। हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके सलार मूवी के हिंदी फैन हो तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। और साथ ही साथ हम आप सभी को काफ़ी सारी रिडायरेक्ट लिंक काफ़ी सारे नए मूवी के प्रीमियर दिखाने के वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग कहानी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील और इस मूवी के एक्टर जो बाहुबली सर प्रभास सर मूवी में पृथ्वीराज को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जो काफ़ी सारे लोगों के कुछ यूनिक लगने वाला है इस मूवी की स्टोरी। और काफ़ी सारे लोग सूर्य हसन को भी इस टाइम कुछ बेहतरीन डिफरेंस किरदार में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हैशटैग सलार फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की बेहतरीन मूवी सलार आप सभी को फुल HD पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्शन थ्रिलर मूवी सलार आप सभी को 2023 इस टाइम आप सभी को देखने को मिल रही है, जो कि थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है, जो कि 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर रही है, जो कि ये मूवी सुपर हिट चल रही है थिएटर पर। काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन मूवी जिसको आप सभी को अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों हिंदी वर्जन के साथ साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज पर थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। नज़दीकी थिएटर पर जाकर आप सभी ने इस मूवी को एंजॉय कर सकती हो। और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा उन दिनों इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे सुपर डुपर हिट बेहतरीन मूवी प्रीमियर में आ रही है और काफ़ी सारे लोग को और भी ज़्यादा सुपर हिट मूवीज देखने को मिल रही है। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि सलार मूवी जो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में आप सभी को प्रभास सर जो कि बाहुबली स्टार प्रभास सर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन श्रुति हसन मीनाक्षी सारण साक्षी जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी जो कि प्रशांत नील KGF चैप्टर की सक्सेस के बाद इस टाइम इन्होंने बाहुबली स्टार को लेकर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हाल ही में थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 दोनों ही मूवी सिकल के
लीड कास्ट में उन्होंने किरदार में डायरेक्टिंग करियर किया था, और साथ ही साथ प्रशांत नील ने अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी के बाद इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही है, जो कि बाहुबली की मूवी तो आप सभी ने पता है कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रिलीज़ के साथ साथ बाहुबली मूवीज़ के लीड कास्ट में रहे प्रभास सर की काफ़ी सारी मूवीज़ हिंदी वर्जन में तब रिलीज़ हुआ, पर दोस्तों जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ तो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों इस टाइम लोगों को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर के साथ आप सभी को देखने को मिल रहा था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए फ़ैन हो, ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखना पसंद करती हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। इन दिनों हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और सलार मूवी हाल ही में सक्सेसफुली रनिंग हो चुका है थिएटर पर, और सिनेमाग्राफी पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स दी है। एडिटिंग किया था उज्ज्वल कुलकर्णी सर ने, और प्रशांत नील ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 2024 में भी आप सभी को KGF चैप्टर की तीसरी सीक्वल आने के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी रीजन से प्रशांत नील फिर से एक और नई मूवी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेहतरीन मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही है, जिसके रीज़न से काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्टर बनी हुई मूवीज़ को थिएटर पर जाकर देखिए। सक्सेसफुली काफ़ी सारी मूवीज़ के किरदार प्रीमियर अभी आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि इतनी कम वक्त पर इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रही ये सब मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के डायरेक्टर प्रशांत नील की इस मूवी को थिएटर पर जाकर देखने के लिए। ये मूवी को जल्दी OTT प्रीमियर पर देखने को मिलने वाली है। KGF चैप्टर और उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ को प्राइम वीडियो नेटवर्क ने रिलीज किया था, जिसके रीज़न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी भी आप सभी को प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा बेहतरीन सुपर एक्साइटिंग मूवी हिंदी प्रीमियर में दिखाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे मूवीज़ के ऑफिशियली रीडायरेक्ट लिंक आप सभी को हम प्रीमियर भी करवा चुके थे, और इस तरह के आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल रही है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे नए और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों #happynewyear हैप्पी न्यू ईयर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग और नई मूवी के अलावा कुछ और भी ज़्यादा नई मूवी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और शाहरुख खान सर की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर उनकी जवान और डंकी से लेकर काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी अभी प्रीमियर में आ चुकी है, जिसके रीज़न से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और क्रेज़ इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा इन दिनों ये सब मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और न्यू ईयर मूवी जो 2014 पर रिलीज हुआ था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ एंडिंग किया था, और आप सभी को बता दें शाहरुख खान सर और काफ़ी सारे मूवीज़ के कोलैबोरेशन पर रिलीज हुई साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी इस टाइम रिलीज में आई। जवान मूवी जो तमिल इंडस्ट्री की डायरेक्टर पर अटली कुमार सर ने डायरेक्ट किया था, इस टाइम पर अटली कुमार सर ने एक बार फिर एक बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सलार मूवी में जो प्रभास सर को लेकर और एक और नई मूवी के कोलैबोरेशन पर रिलीज होने वाली है, और प्रभास